प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है इच्छा पूर्ति। राजा विश्वजीत के राज्य में सभी लोग सुखी थे, ऐसा सभी मानते थे। लेकिन राजा विश्वजीत फिर भी वेश बदलकर अक्सर प्रजा के बीच जाते, एक आम आदमी की तरह उनसे बात करते, उनके सुख दुख को जानते और जल्द से जल्द लोगों की हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते। एक बार राजा विश्वजीत बूढ़े आदमी का वेश धरकर नगर में घूम रहे थे कि अचानक 4-5 लुटेरों की टोली ने उन पर हमला बोल दिया। लुटेरे आपस में कुछ अलग भाषा में बात कर रहे थे। राजा को यह समझते बिल्कुल भी देर ना लगी कि वे सब किसी दूसरे राज्य से आए हैं, और खुशी भी हुई कि चलो, मेरे लोग तो इस लूटपाट से अपना घर नहीं चला रहे। राजा विश्वजीत अभी लुटेरों से जूझ ही रहे थे कि अचानक ऊंची कदकाठी के 4 नौजवान विश्वजीत की मदद के लिए आ गए। दो दो हाथ में ही उन्होंने लुटेरों को पकड़ लिया। शर्म नहीं आती, एक बूढ़े आदमी को तंग करते हो? ये राजा विश्वजीत का राज्य है, यहां मेहनत और सच्चाई का मोल है। तुम जैसे लुटेरों की जगह तो कोतवाली है, एक नौजवान ने लुटेरों को झिड़कते हुए कहा। विश्वजीत नौजवानों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उनके राज्य के जवान लोग सच्चाई और मेहनत जैसे गुणों की कीमत समझते हैं, ये जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। लुटेरों को थाने पहुंचाकर चारों लड़के विश्वजीत को उसके घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन विश्वजीत के बहुत मना करने पर उन्होंने विश्वजीत को उसकी बताई जगह पर छोड़ दिया। चारों लड़कों से बातचीत के दौरान विश्वजीत ने जाना कि वे चारों अलग अलग गांव से थे और यहीं आकर मिले थे। ये सभी एक ही धर्मशाला में रुके थे, कुछ काम धंधे की तलाश में आज ही नगर में आए थे। अगले ही दिन सवेरे विश्वजीत ने सैनिकों को धर्मशाला भेजकर चारों लड़कों को महल बुलवाया। चारों हैरान परेशान थे कि इतनी सुबह उन्हें कहां और क्यों ले जाया जा रहा है। महल में सबसे पहले उन्हें बढ़िया नाश्ता करवाया गया, फिर पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ राजा विश्वजीत के पास ले जाया गया। अपने सामने राज्य के राजा को खड़ा देख चारों नौजवानों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ये जानकर तो उन्हें और भी खुशी हुई कि पिछली रात उन चारों ने बूढ़े के वेश में अपने ही महाराज की मदद की थी। विश्वजीत तो उनसे खुश थे ही, इसलिए उन्होंने चारों नौजवानों से कुछ मनचाहा मांगने को कहा। चारों ने कुछ भी मांगने और लेने से मना कर दिया। फिर विश्वजीत के बहुत कहने पर पहले नौजवान ने अपनी इच्छा बताई। महाराज, मेरा घर पुराना और टूटा फूटा है, अगर आप उसकी मरम्मत करवा दें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज ने तुरंत नौजवान के लिए एक भव्य मकान बनवाने का आदेश दिया। दूसरे नौजवान ने महाराज को बताया कि नगर से उसके गांव जाने वाली सड़क काफी खराब है, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ होती है और समय भी बहुत लगता है। आपसे विनती है महाराज कि नगर तक आने वाली उस सड़क को आप सही करवा दें। दूसरे नौजवान की इच्छा पूर्ति के लिए तुरंत सड़क बनाने वालों को जल्दी से जल्दी काम करने का आदेश दिया गया। तीसरे नौजवान ने थोड़ा झिझकते हुए महाराज से कहा, मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे कुछ धन की जरूरत होगी। महाराज ने तीसरे नौजवान को भी जरूरत से थोड़ा ज्यादा धन दिया। अब चौथे नौजवान से जब उसकी इच्छा पूछी गई, बताओ नौजवान, इतनी बहादुरी से मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए? नौजवान ने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि आप आने वाले हर साल में मेरे गांव पधारें और मेरे माता पिता और मेरे साथ
एक वक्त का खाना खाएं। इस बात को सुनकर तीनों नौजवान हैरान थे कि अरे ये क्या मांग लिया इस मूर्ख ने। जब राजा खुद कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, तो कुछ ऐसा मांगता जिससे महाराज को भी लगता कि कुछ दिया है। महाराज को लगा शायद लड़का अपनी कही गई बात की अहमियत नहीं समझ रहा, इससे एक बार फिर पूछना ठीक रहेगा। लेकिन लड़का अपनी बात पर ही अडिग था, उसकी सिर्फ यही इच्छा थी, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए था। राजा का वचन पाकर चौथा नौजवान भी घर लौट गया, लेकिन राजमहल में तो अफरा तफरी फैली थी। महाराज ने अभी अभी भोजन का न्योता जो स्वीकार किया था, भोज भले ही साल भर बाद था पर तैयारी तो अभी से शुरू करनी थी। महल से गांव तक की नई सड़कें बनवानी थी, महाराज के साथ जाने वाले सैनिक मंत्री नौकर चाकर सबके रुकने रहने खाने पीने का इंतजाम करवाने के लिए गांव वालों की मदद से मकान बनवाने थे, पानी के लिए कुएं खुदवाने थे। अब सारा जरूरत का सामान भी तो नहीं ले जाया जा सकता था ना, ना जाने किस चीज की जरूरत कब पड़ जाए, तो उसके लिए बाजार की भी जरूरत थी। महाराज के ठहरने के लिए एक महल भी चाहिए था। खैर महल के रखरखाव के लिए तो चौथा नौजवान और उसका परिवार था ही, सो उसके परिवार को महल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गांव की तो सूरत ही बदल गई थी, छोटे बड़े ज्यादा पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे सबके पास काम था। यहां तक के आसपास के कई गांव एक आदमी की सूझबूझ की वजह से सुखी हो गए थे। और इसी तैयारी इंतजाम के बीच वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था, लेकिन अभी भी कुछ अड़चन थी। महाराज के एक महामंत्री जो अभी कुछ दिन पहले ही दूसरे राज्य से संधि कर लौटे थे, महाराज के इस शाही भोज की बात से कुछ चिंतित थे। इसी सिलसिले में वे उस दिन महाराज विश्वजीत से मिलने उनके महल पहुंचे। महामंत्री ने महाराज से कहा, महाराज आप बुरा ना माने तो एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे कहिए मंत्री जी, आप तो हमारे पिता के दरबार में भी उनके खास सलाहकार रह चुके हैं, आपकी सलाह तो हमारे लिए अनमोल है। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके शाही भोजन और रहने ठहरने का इंतजाम तो बेहतरीन है, लेकिन अभी भी एक बात है जिस वजह से आप अपना वचन नहीं निभा पाएंगे। महाराज ने बड़ी हैरानी से पूछा, और वो क्या है मंत्री जी? महाराज शाही कानून के हिसाब से आप ऐसे किसी भी आदमी के यहां खाना नहीं खा सकते जिसका ताल्लुक शाही खानदान से ना हो। मंत्री ने बिना डरे अपनी बात महाराज से कह दी। अरे ये तो बहुत मुश्किल बात हो गई, क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? क्योंकि बिना शाही कानून तोड़े हम अपना वचन निभाना चाहते हैं। महाराज ने माथे पर बल डालते हुए कहा, उपाय तो है महाराज, लेकिन उसमें हमारी मदद आपकी बहन राजकुमारी सुनैना ही कर सकती हैं। आप बहुत समय से राजकुमारी के लिए किसी अच्छे वर की तलाश में थे। नौजवान सत्यवीर चतुर साहसी और बुद्धिमान है। महाराज राजकुमारी खुद भी बुद्धिमान और विद्वानों का आदर करती हैं। वो अवश्य ही इस नौजवान सत्यवीर के लिए मना नहीं करेंगी। और हुआ भी यूं ही, नौजवान सत्यवीर की बुद्धिमानी की कहानियां राजकुमारी ने भी सुनी थी। महाराज के इस प्रस्ताव पर उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। वहां जब नौजवान सत्यवीर और उसके माँ बाप तक ये बात पहुंची तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना ना था। आखिर अब महाराज के वचन के बीच आई सारी बाधाएं खत्म हो चुकी थी। महाराज भी सत्यवीर जैसा साहसी बुद्धिमान और नेक मित्र पाकर बेहद संतुष्ट थे। तो देखा बच्चों,
वही इच्छा उत्तम है जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो और अपनी इच्छा के साथ साथ उनकी इच्छा की भी पूर्ति हो जाए। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।